सवाल उठा दिया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा चुनाव आयोग पे, क्या कहेंगे ओम प्रकाश जी? इलेक्शन शेड्यूल होता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी को देख के। अब यदि इलेक्शन शेड्यूल इलेक्टोरल हिस्ट्री और पॉलिटिकल इलेक्टोरल कंसीडरेशन में शेड्यूल हो तो सवाल तो उठना जायज है। अब तो अभी लोगों को शायद पता नहीं, अब सबको हंसने लग जाएंगे जब सुनेंगे जो मालदा के साथ नॉर्थ कोलकाता का इलेक्शन एक साथ होगा। आप अलग अलग फेज में कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का तर्क होगा, पहले भी हो चुका है, फेज की बात नहीं है, ये रिड्यूकुलस टाइप का एक मैंने हास्यास्पद। सात फेज में 2016 और 11 में चुनाव हो तो ठीक है, 2021 में हो तो गलत है। आप मनोगिया जी, मैं फेज की बात नहीं कर रहा हूँ, किस तरह से फेज आउट किया गया है अलग अलग जिलों में उसकी बात कर रहा हूँ। आप एक ही जिले को, छोटे से जिले को दो भाग में बांट रहे हैं। आप मालदा का और मुर्शिदाबाद का चुनाव कर रहे हैं नॉर्थ कोलकाता के साथ, और साउथ 24 परगना का और आपका नदिया का चुनाव अलग तरीके से। उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, उसमें दिक्कत ये है जो कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई। अच्छा, आपकी आपत्ति में लॉजिक है, उनके अनाउंसमेंट में लॉजिक नहीं है? नहीं, पहले हमेशा रहा है, जो नॉर्थ बंगाल का होता है, ट्रूप डिप्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट का होता है, माओवादी गतिविधियां कहाँ है उसके कॉन्टेक्स्ट का होता है, कॉन्टिग्विटी एक फैक्टर होता है। इस बार ये सब फैक्टर नहीं है, ये इस बार असम इलेक्शन का शेड्यूल शायद फैक्टर हो। किसकी किस तरह से असम में हर बार तीन फेज में चुनाव हुए हैं, 14 अप्रैल के पहले हुए, 20 साल से मैं कवर कर रही हूँ। अभी आप ये मुझे बता दीजिए कि आपके नेताओं के तुष्टीकरण के लिए चुनाव आयोग ऐसे कदम उठा रहा है, ये आरोप लग रहा है। देखिए, इस तरह की बातें करना मैं समझता हूं कि हार की स्वीकारोक्ति है। याद करिए वो समय जब 33 साल से सीपीएम ने बंगाल की महान धरती को, मुझे अभी की बात बताइए निखिल जी, इतिहास में ना जाइए। और 2011 में जिस तरह जो इनकी स्थिति थी वही स्थिति इस वक्त हमारी है। पाड़ा पाड़ा में, मैं बाली बेलूर लिलुआ में काफी काम करता हूं, वहां हर एक भाजपा का कार्यकर्ता या तो जेल में है या बेल पे है, और इस तरह कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसी तरह आपके कार्यकर्ताओं को उस वक्त किया जाता था, तब वो समय मत भूलिए। दीदी ने तो कह दिया जनता जवाब देगी, आपकी ये सारी आपत्तियों को जनता खारिज कर देगी। जब 2011 और 16 में इतने चरणों में चुनाव हुए तब कोई प्रश्न नहीं उठा। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी संवैधानिक जो संस्था है उसके निष्पक्षता पर प्रश्न नहीं उठाती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, विभिन्न कमीशन हो, अगर वो कोई ऐसा फैसला लेती है जो इनके अनुरूप ना हो तो ये लोग तुरंत पहले ही से ही प्रश्न उठा। सवाल तो आप ही पर उठ रहे हैं ना कि केंद्र में आप हैं, आप ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या कहेंगे आप? अब दोष देने का समय आ गया है, तृणमूल वाले भाजपा को दोष देंगे, भाजपा वाले तृणमूल को दोष देंगे। भाजपा देश की सरकार चला रही है, तृणमूल प्रदेश की सरकार चला रही है। 70 साल आपने राज किया है, चुनाव आयोग की पूरी फंक्शनिंग को जानते हैं, कुछ नहीं कहेंगे 8 फेज पर? देखिए, इस पे मेरा कुछ कहना मुझे नहीं लगता सही होगा, कुछ किया होगा तो कुछ समझ बुझ के किया होगा, लेकिन ठीक है, अगर किसी को आपत्ति है तो अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। लेफ्ट क्या कहेगा 34 साल राज के बाद की देखचन की भावे देखचन? द मेन प्रॉब्लम इज नॉट द सेगमेंटेशन ऑफ द इलेक्शन, बट द मेन पॉइंट इज व्हाट वी डिमांड टू द ईसीआई is to ensure the voting right of the people. সব থেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে এই যে পশ্চিমবাংলায় গত কয়েকটা নির্বাচনে মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকারটাই তো কেড়ে নেওয়া হয়েছে। 34 সাল তো আপ পর ই আরোপ লাগে হ্যাঁ, अब आज आप कैसे ये आरोप लगा रहे हैं, जनता से ही पूछ लेते हैं एक बार, क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं कि वोट देने के लिए आपत्ति है? वोट देने के लिए तो आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आपके पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा के बेसिस हम वोट भी कर देंगे जैसे तृणमूल और बीजेपी को, और वोट के बाद ये देखते हैं कि शुभेंदु अधिकारी की तरह टीएमसी की नेता बीजेपी में चला गया और बीजेपी के सुजाता खा की तरह वो तृणमूल में चला गया, तब हम किसके पास जाएंगे? एक सवाल। दूसरा सवाल वाम कांग्रेस से है, अगर इस अपकमिंग इलेक्शन में पब्लिक का ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो पाए और विधानसभा त्रिकोण हो गया तो आपका कोलिशन का पोजीशन क्या? कोलिशन तब देखा जाएगा, पहले वोट तो करिए, आप क्या कहेंगे? अभी 34 साल में का बाद ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि आदमी लोग वोट नहीं दे पाया, ये जहां पे आप लोग ये प्रोग्राम अरेंज किया ये जगह पे एक टाइम था जहां पे कोई ऑपोजिशन पार्टी को वोट देने का कोई हिसाब नहीं था, यहाँ पे वोट नहीं देना दिया जाता था। तो ये ABP News, आपको रखे आगे।